Hi guys, good morning and welcome back to my channel. Right now it's 6 o'clock in the morning and I have my paper like in like 2 an hour. Like at 9 o'clock I have my paper models and I'm already fucked up, like really meri fatti padi hui hai. And I thought of starting a vlog, pata nahi kyun. So I'm reading right now zoonotic infections and I have my laptop open in front of me. I'm so scared क्योंकि मैं मतलब टू बी ऑनेस्ट मैंने पार्ट टू पेपर के लिए बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है. मेरे को पता नहीं क्या होगा. हाफ ऑफ द पीपल दे आर नॉट इवन लाइक गिविंग दिस मॉडल बट आई वॉन्ट टू गिव. सो लेट्स स्टार्ट. Guys, I'm done with my revision. Now I'm going to, you know, get freshen up and get ready for my college. So, चलते हैं. Scared, but we have to give. Yaar, it's model only. तो चलते हैं. Wish me luck, guys. Guys, meet Ashna. She is the topper of the university and she has studied everything. मैं 5 क्वेश्चन पढ़ी हूँ. Everything evaporated. Oh, evaporated को auto clear होता है. There is Ikshita. Guys, done with the paper. Paper was kind of okay क्योंकि essays बन गए. And now we are waiting for the auto and प्रज्ञा का चप्पल टूट गया है. मैं प्रज्ञा को बोल रही हूँ उस पर बैठा के ले चलूँ. चढ़ जाओ गुड़िया. गाइस इक्षिता बैंक में है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में है. अनु फोन काट रही बार बार प्रज्ञा का. Before moving ahead in the video, I want to let you know that so many of you ask me about budget friendly skin care on my Instagram. तो मैंने सोचा कि मैं आपको favorite मेरे brand के बारे में बताती हूँ जो कि good vibes है. Actually it's very affordable for us like college going girls. तो it's very affordable and pocket friendly. तो मैं आप लोग को इनके बारे में बताऊँगी जो जो मेरे favorite अभी फिलहाल के लिए products हैं. I love their vitamin C range. So the first product from the good vibe is this face scrub, vitamin C face scrub. ये बहुत ज़्यादा अच्छा है and I love the smell of it guys. इसका टेक्सचर इतना ज़्यादा अच्छा है गाइस. जो इनका स्क्रब है ना, ये जैसे मैं कॉलेज से जब भी आती हूँ और जब बहुत ज़्यादा डर्ट और एक्सेस, मतलब ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा ऑयल है, सीबम है, तो मैं ये फेस स्क्रब यूज़ करती हूँ. इट इज़ गोइंग टू रिमूव ऑल द एक्सेस सीबम एंड ऑयल एंड डर्ट फ्रॉम योर फेस. एंड ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना देता है स्किन को. इट फाइट अगेंस्ट फ्री रेडिकल्स एंड द पावर ऑफ विटामिन सी, यू नो, हेल्प्स इन एक्सफोलिएशन एंड रिड्यूसिंग द पिगमेंट्स अराउंड द नोज एंड चिन एरिया. And guys, it provides skin hydration and gives you a very clear looking skin which is full of radiance. Guys, the best part about this scrub is that na ye isme paraben sulfate and mineral oils nahi hai and ye 100% vegan hai and there is no animal testing, so that's a good thing. And the next favorite product of mine from their range is this face mask. This face mask is blended with the goodness of shea butter and sunflower oil and prevents the skin from damage and protects it from pollutants and gives you a clear looking skin. गाइस को लगाने के बाद आपकी स्किन बहुत रेडिएंट और इवन टोन हो जाती है एंड यू नो ये बहुत हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है एंड स्किन को सॉफ्ट कर देता है. मेरी ऑयली स्किन है तो मैं इसको 2 to 3 times a week लगा लेती हूँ एंड जो लोग की स्किन सेंसिटिव और ड्राई हो तो उनको 1 to 2 times यूज़ करना चाहिए. एंड गाइज, लाइक ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ गुड वाइव्स, दीज आर ऑल्सो, यू नो, पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री, मिनरल ऑयल एंड देर इज़ नो एनिमल टेस्टिंग, सो दे आर 100% वीगन.
गाइज यू जस्ट हैव टू लीव दिस फेस मास्क फॉर 10 to 15 मिनट्स एंड अपना काम कर सकते हो. इट्स ऑलमोस्ट हाफ ड्राई. आई एम गोना गो टू द वॉशरूम एंड वॉश माई फेस एंड कम एंड शो यू द रिजल्ट. जस्ट लुक एट दिस ग्लो आफ्टर यूजिंग द फेस मास्क. मैं बोल रही थी ना आपकी स्किन हाइड्रेटिंग बना देता है एकदम. मेरे को ऐसा फील भी हो रहा है और बहुत सॉफ्ट फील हो रहा है. एंड गाइज तीसरी चीज़ जो मुझे उनकी विटामिन सी रेंज से पसंद है वो गुड वाइब्स का विटामिन सी एंड ई यू नो फेस सीरम है. आई लव दिस. इट्स अ सिलिकॉन फ्री फार्मूला गाइज एंड इट कंटेन्स नो सिंथेटिक परफ्यूम्स, नो पैराबिन, सल्फेट एंड इट इज़ नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल्स. इट्स गोना इम्प्रूव योर स्किन टेक्स्चर एंड यू नो हेल्प्स यू नो टू फाइट फ्री रेडिकल्स एंड बूस्ट द सेल रीजनरेशन पावर. Fourth product which I like, you know, for my under eyes from the Good Vibes is their cucumber and lemon under eye serum. Like I'm using this like for like 2-3 days and helping me to reduce the dark circles and the dead cells. It is boosted with hyaluronic acid guys and which is good for hydration and it is going to cool your under eyes and make you feel so good as you can see on my face. It does not contain any paraben or sulfate and there is no animal testing done. Coming to the last product which I love from the Good Vibe right now is their rose body butter. It is called the Mask Rose Body Butter and I love the fragrance. ऐसे ना ऐसे लगता है कि रोज मतलब बहुत ऐसे जैसे देसी रोज नहीं होते हैं वैसे लगता है and I just love this. It imparts skin radiance and guys going to provide you long lasting moisturization, evens your skin tone. You can buy these products from purple.com website and also you can get 35% flat on all these products by using my coupon code that is mentioned on the screen. So go and shop from the links in the description below. फाइनली गाइज बैक एट होम एंड अभी यू नो 12:30 बज रहे हैं. मेरा एग्ज़ाम 9 से था 12 बजे तक एंड अभी 12:30 बज रहे हैं. आधा घंटा हो गया एंड मैं अब जाके सोऊंगी क्योंकि यार मैं 4 बजे से उठी हूँ मतलब 4 बजे से उठी हूँ एंड इसीलिए मेरा सर दर्द भी हो रहा है. तो मैं खाना खा के सो जाऊँगी एंड फिर उठ के पढ़ाई करूँगी क्योंकि मेरा कल भी पेपर है तो इसके वजह से. सो आई विल कैच यू गाइज आफ्टर वर्ड्स. मैंने लंच गरम कर लिया है. अब मैं जाके खाना खाऊंगी एंड थोड़ा सा मैं सौरभ जोशी ब्लॉग देखूंगी क्योंकि मेरे को बहुत पसंद आ रहा है लेकिन उनकी फैमिली तो मैं जा रही हूँ देखने के लिए. उसके बाद आई एम ऑफ टू स्लीप गाइस क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रही है. बट मेरे को खाना खाते वक्त कुछ ना कुछ तो देखना होता है. तो चलते हैं. तो मैं आप लोग को बता दूँ अभी बज रहे हैं 4:30 शायद एंड मैं उठ गई हूँ सो के. मैं इतना सोई मुझे लग रहा था कुंभकर्ण हो गई हूँ एंड नाउ आई एम फीलिंग मतलब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है सो के एंड मेरे को ना अब नहाने का मन कर रहा है. तो मैं नहाऊँगी और मैं चाय बनाऊँगी मतलब चाय बनाने पे रखूँगी एंड आई विल टेक अ क्विक बाथ एंड देन आई विल प्लान व्हाट टू डू फॉर द एग्ज़ाम. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड आज मेरा ऑर्डर आने वाला है. मैंने कुछ ऑर्डर किया था लाइक मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए. तो अगर वो आएगा तो मैं आप लोग को भी दिखाऊंगी. तो पहले चलते हैं चाय बनाते हैं और नहाते हैं. जॉइन चाय विद द व्यू गाइज. मुझे और प्रज्ञा दोनों को भूख लगी थी तो हम लोग नीचे जा रहे हैं पानी पूरी खाने के लिए. एंड वैसे मैं आपको बताई थी ना कि कुछ सामान आने वाला है जो मैं आप लोग को दिखाऊंगी. तो मेरा वो ऑर्डर आ गया तो उसको भी पिक कर लूँगी. सो लेट्स गो. प्रज्ञा अपना फूलदार लोअर बदलने गई है. उसके बाद चलते हैं नीचे. प्रज्ञा के साथ बहुत दूर एंड मेरा भी चप्पल टूट गया था पता अपना नहीं, नहीं लेकिन मैं उसको दबाई थी पता नहीं किसका मुंह देख के उठे थे. चप्पल टूटने का चप्पल दोनों से शुभ तो नहीं होता. शुभ होता है. शुभ अच्छा अच्छा ही भरा है. हाँ अच्छा पेपर गया हम दोनों का. एक्सपेक्टेड मतलब जितना हमको एक्सपेक्टेड था उससे तो अच्छा गया. और हमारी एक्सपेक्टेशन आप नहीं जान सकते. फ्री मेरे को भी खिलाना यार. अच्छा ये ऑर्डर भी आ गया. प्रज्ञा भी नहीं गेस कर पाई इसमें क्या हो सकता है. गाइज हम लोग इतने वेले हो चुके हैं कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कैटरीना अपने शादी में कौन सा लहंगा पहनेगी.
मैं बोल रही हूँ कि वो रेड पहनेगी या वाइट पहनेगी, वाइट रेड या वाइट पहनेगी गाइस, देख लीजिएगा आप लोग। पिंक कलर का नहीं पहनेगी, येलो तो घंटा पहनेगी, मैं बता रही हूँ वो पहनेगी, वो लाल कलर पहनेगी, लाल। विक्की का चल के इसको अनबॉक्स करने जा रहे हैं। और क्या है इसके अंदर, मैंने ये मंगाया है लाइट वाला, अभी इसको सेटअप करके दिखाती हूँ आपको। गाइस मैंने इसको असेंबल कर दिया है, नाउ लेट्स चेक कि अच्छा है या बुरा है। ये कुछ ऐसा इफेक्ट दे रहा है आप देख सकते हो, पर जैसे दिखाया था वैसा नहीं लग रहा है, बट इट्स लुकिंग प्रिटी। आप लोग मुझे बताना कमेंट में कि मैं इसको रखूँ या वापस कर दूँ। बैक ऑन माई स्टडी टेबल एंड विथ माई चाय, नाउ गोना स्टार्ट रिवाइजिंग एवरीथिंग एंड इट्स 6 o'clock राइट नाउ, तो चलते हैं, बहुत लेट हो गया ऑलरेडी। गाइस टुक अ 15 मिनट्स ब्रेक एंड अभी मैं मैकडॉनल्ड्स खा के बैठी हूँ। यहाँ आप देख सकते हो कचरा कूड़ा पड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे को यार मन कर रहा था, तो मैंने सोचा एग्ज़ाम में तो जो मन करे वो करना चाहिए, तो मैंने 15 मिनट का ब्रेक लिया हुआ है एंड आफ्टर दैट आई अगेन रिज्यूम माई स्टडींग। प्राइस कितना पड़ी? सारा पढ़ लिया मैंने, बस रिवाइज करना बचा। ऐसी झूठी शक्ल जरा मुझे दिखा। You want coffee? I have flavored coffee, hazelnut. I will make for you. मुझे कॉफी भी नहीं आती है। मेरे को भी आजकल आती है, पर मेरे अभी पीऊंगी। कल मैंने दो कप ब्लैक कॉफी पी थी, मतलब कह रहा था एकदम स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफी, इंसान उल्टी हो जाए, और जैसे भी मैं वैसे सो गई सबसे से। ब्रो दिस वन इज वेरी नाइस, ये मैं एग्जाम के बाद पीऊंगी ना एंजॉय करने के लिए। गाइस इट्स अराउंड 1:30 एंड आई एम गोइंग टू स्लीप एंड आई wake up in the morning like around 5, so I'll get you guys, till then good night. Good morning guys, just woke up and look at the weather outside, it's dark and now I'm going to start revising everything and hopefully I'll revise the leftover and exam dene jaun. Abhi main thoda zoned out hu, now I'm going to have water, uske baad main पढ़ने बैठती हूँ। आई एम गोइंग टू हैव माई ब्रेकफास्ट एंड ऑफ टू माई एग्जाम, जितना पढ़ना तो पढ़ लिया, अब भगवान ही बचाएगा मेरे को। एंड ब्रेकफास्ट में बना है चीला जो कि बहुत गंदा है, मैं नहीं खाऊंगी। आई एट समथिंग इन गो। Guys, done with my exam. Now came to have some roll. Guys, I'm having roll and Kagel's having ice cream. Finally, मैं घर आ गई हूँ and now I'm going to sleep, क्योंकि कल मेरा paper है जैसे कि आप लोग जानते हैं, and मैंने सोचा कि ये vlog यहाँ पे end कर देती हूँ and I hope आपने इस vlog से you know जाना कि real you know क्या होता है MBBS में, कैसे हालत होती है exam से पहले। So I'll see you guys in my next vlog and video. तब तक के लिए कीप वॉचिंग दैट बिंकी गर्ल एंड आई लव यू गाइस, बाय, टेक केयर।